कहानी संघर्ष। ओडिशा का मयूरभंज जिला में एक छोटा गांव हुआ करता था, जहां लगभग 200 परिवार रहते थे। उस गांव में हमारा एक खुशी परिवार था, जहां पे पापा मम्मी दो भाई और एक प्यारी बहन रहते थे। पापा मम्मी हम सबको बहुत लाड प्यार से पाल पोस और देखभाल भी करते थे, हमें किसी भी चीज़ का कमी महसूस नहीं करवाए थे। पापा एक राजमिस्त्री थे, वो रास्ता बनाना, घर बनाना, मकान बनाना आदि में काम करके अच्छा कमाई करते थे, जिसे हमारा परिवार अच्छा से चलता था। हम सब भी स्कूल जाया करते थे। पापा हमेशा कहा करते थे कि अच्छा पढ़ाई करके ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ो। उसी समय मेरे मन में एक सपना हुआ करता था और मैं अच्छा पढ़ाई करने लगा। लेकिन पापा जब नशा में हुआ करते थे, मम्मी के साथ बिना कारण के झगड़ते थे, ये सब हमारा दिल को चोट पहुंचाता था। एक दिन पापा ने दूसरी शादी कर ली। धीरे धीरे हमारा परिवार टूटने लगा। पापा हम सबका देखभाल करना छोड़ दिया। मम्मी पहले कभी काम करने बाहर नहीं जा रहे थे, पर उसके पास कोई रास्ता नहीं था। मम्मी और घर में चुप नहीं बैठी। मैं एक दिन स्कूल से लौटने के समय देखा, मम्मी रास्ता में काम कर रही है। मैं उसके पास गया और मम्मी को बोला, मम्मी मैं आपका मदद करूँगा। लेकिन मम्मी ने हजारों मना की, पर मैंने मना नहीं और काम करने में मदद की, जिसमें से हमें दिन का 100 रुपया तनख्वाह मिलता था। इतना सारे मुसीबत के सामने भी मैं नहीं टूटा। सोचने लगा क्या करूं। एक दिन मेरा एक दोस्त से मुलाकात हो गया, जो भुवनेश्वर का किस विद्यालय में पढ़ता था। उसी ने बोला, अगर तुम वहां जाओगे तो पढ़ाई और अच्छा कर सकोगे। तब माँ ने मेरे सारे तैयारियां कर दी और दोस्त के साथ भुवनेश्वर आया और उस विद्यालय में एडमिशन कर ली। इतना बड़ा विद्यालय देख के मैं घबरा गया, जहाँ हजार हजार बच्चों पढ़ाई करते थे। बाद में वहाँ का दोस्तों से मिला और पढ़ाई अच्छा करने लगा। अभी मैं विज्ञान विभाग में डिग्री कर रहा हूँ और उम्मीद है कि बहुत जल्दी नौकरी करके घर का मुसीबतों को दूर करूँ। इतना सारा मुसीबत होने पर भी मैं कभी टूट नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा दिल में एक चाहत था आगे बढ़ने का। मम्मी हमेशा कहा करते थे, अगर अपना मंजिल तक का रास्ता कहीं पे टूट पड़ा हो तो वहाँ सीढ़ियाँ बांध के भी अपना मंजिल तक पहुँचो। थैंक्स।